वहाँ पे देखिए कितना आग लगा है, काम चल रहा है। यहाँ पे है प्याज, थोड़ा सा लहसुन, तुरई, आलू। की तुम नीचे नीचे तो देखिए खुद से चेयर लेके फैन भी ऑन कर देता है, लाइट वगैरह सब कुछ पकड़ता रहता है हमेशा। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम एंड नमस्ते। मैं हूँ आपकी संजीता और लिव सिंपल विद संजीता चैनल के और एक नए फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है। अच्छा मम्मा का जाश दिलाश इन मोबाइल में मामू मोबाइल में तुम की कह चो कि मार गुडेल हैं मात के हम दूध खेजी दूध कह चो आशंगे आशंगे बिस्किट हैं। तो आज है संडे, तो मैं थोड़ा सा लेट से उठी हुई, क्या रात को मैं प्रॉपर सो ही नहीं पाई। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा वो रात को मैंने इतने लेट से शूट किया, देन एडिट किया, तो आज सुबह को छोड़ा। ये वो कल रात का वीडियो था 1 बजे का, उसके बाद में मैंने एडिट किया और अपलोड मार के फिर मैं सो गई। बिल्कुल भी नींद नहीं हुई सुबह से, तो सुबह को थोड़ा सा लेट से उठी। पता चल रहा था कि टाइम कितना हो रहा है, आज संडे मिला है 1 वीक के बाद, और कल मैं इतना ज़्यादा टायर्ड थी आप लोगों को क्या बताऊँ। इतना ज़्यादा गर्मी था, पर आज का वेदर थोड़ा सा कूल है, मतलब धूप नहीं है और ना ही बारिश। आई डोंट नो धूप आएगा कि नहीं, बारिश होगी कि नहीं वो भी पता नहीं, पर वेदर बहुत अच्छा, आज का बहुत अच्छा है काफ़ी दिनों के बाद। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट में बनेगा हमारे घर पे, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे से अगर सब लोग खाते हैं ना वो है ब्रेकफास्ट में रोटी। पोहे बनाओगे तो प्रीत नहीं खाता, उसका पापा नहीं खाता। फिर अगर उपमा भी बनाओगे तो, अगर उपमा भी बनाओगे तो 2-3 जन नहीं खाते हैं, तो रोटी बनाओ तो सब खाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रोटी बनाना या फिर पूरी, कभी कभी पूरी रोटी दोनों बनता है। कल भी मैंने ब्रेकफास्ट में पूरी रोटी दोनों बनाया था, तो ऐसे करके चल रहा है। तो आज काफ़ी लेट हो गया, मम्मी को भी चाय चाहिए, तो अभी मैं मम्मी के लिए चाय बिछाऊंगी। और यहाँ पे देखिए थोड़े आलू की सब्जी हो रही है, और यहाँ पे मैंने आटा लिया है, इसको मैं भून लूँगी। तो सबसे पहले मैं मम्मी को चाय देती हूँ, वो अभी लाल चाय मतलब ब्लैक टी पियेंगी। चलिए चाय बना लेती हूँ और आटा गूंथ लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करने। चाय रेडी हो गई है, तो ये वाली चाय बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मम्मी के लिए मैंने बनाया था तो थोड़ा सा बच गया है, मैं पी लूँगी। तो चलिए मम्मी को चाय दे के आती हूँ, और ये छोटे कप में मैंने अपने लिए लिया है। आजकल ना बिस्किट्स के पैकेट में आधे से ज़्यादा बिस्किट तो टूटे हुए होते हैं। मम्मी की चाय, और ये देखिए बदमाश का फ्रिज खोल के देखिए रियो कोई नहीं रुकम किचु ना, शुद्ध फ्रिज धरे बदमाशी होच्छे। देखो चाय धक्का दिते गिये फ्रिज बंद करते धक्का दिते गिये जो कुछ चाय हो जे पड़े गेले। আমি আর কিছু কাজ করব না এখন তোর জন্য। মিসেস চাই ইতি সে চাই পেছ লিয়ে থি, তো মেনে সোচা কি মেনে পি লেতি হুম বোর লে লিয়া হে। इसको थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने फ्लेक्सी जेल बनाया था, ज़्यादा गाढ़ा हो गया, अभी इसको जेल निकलना, इसका जेल निकलना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी ठंडा होने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। सब्ज़ी तो हो गई है, अभी आटा गूंद लूँगी। तो बहुत दिनों से ना मैंने मैदा मिक्स करके हम लोगों ने पराठा या पूरी नहीं खाया, हमेशा पूरी खाते हैं, आटे का मतलब रुचि जो होता है वो नहीं खाते। तो मैं आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैदा मिक्स करके पराठा या जो भी खाए वो खाएँगे। तो यहाँ पर बस देखिए मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, ज़्यादातर आटा ही है, बस थोड़ा सा मैदा यूज़ करूँगी, थोड़ा सा नमक और चीनी नहीं दूँगी क्योंकि इनको पसंद नहीं है। तो इनको मैंने कॉल किया था, ये थोड़ा सा बाहर गए हैं, बोले हैं कि खा लेंगे पराठा, तो चलिए बना लेती हूँ। सो गाइस सब्ज़ी हो गई है, थामी की दी ऐसे जाओ। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं पराठा, क्योंकि मैदा मिक्स किया है ना, तो रियो को मैंने तेल में फ्राई करके नहीं दिया, उसको ऐसे ही रोटी बना के घी लगा के दे दिया। रियो और प्रीत को, भाई को पराठा जैसे ऐसे तेल लगा के दे रही हूँ,
और मम्मी बोल रही है उनका मन है पूरी खाने का, इतना सा है। इनमें से मैं 3-4 बना के रख दूंगी इनके लिए, क्योंकि ये तो शायद पूरी नहीं खाएंगे। तो यही होता है। और हमेशा देखिएगा आटा से रोटी मतलब खाना अच्छा भी नहीं लगता। महीने में एक दिन मैदा, थोड़ा सा मैदा तो मैंने बहुत कम मतलब मिक्स किया है, ज़्यादातर मैंने आटा ही लिया है। तो अच्छा रहता है कभी कभी तो थोड़ा सा चेंज करके खाना। ब्रेकफास्ट में कोई सादा रोटी, कोई पराठा, कोई पूरी, ऐसे ही बनता रहता है हमारे घर में। और इतनी गर्म लग रही है, देखिए मैं कितनी ज़्यादा स्वेट हुई हूँ, पूरा पसीना पसीना। पराठा इनके लिए बन गया है, इसको मैं गर्मा गर्म ऊपर उठा देती हूँ, नहीं तो रियो पकड़ लेगा। अभी मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, पूरी बना लूँगी। अकेले अकेले करना पड़ता है कभी कभी सब कुछ। देखिए सारी पूरियाँ मैंने बेल ली है, अभी मैं अकेले कर रही हूँ ना, तो अगर कोई रहता तो ठीक है, नहीं तो इसलिए मैंने पहले सारी पूरियाँ बेल ली है। और तेल पूरा गर्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये गया पहला पूरी, पता नहीं फूलेगा कि नहीं। चलिए फटाफट से मैं सारी पूरियाँ तेल लेती हूँ, उसके बाद में आपसे बात करती हूँ। कल मैं थोड़ी सी भिंडी लाई थी तो सोची वो बना लेती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएंगी। भिंडी अगर ज़्यादा दिन फ्रिज में रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अंदर से हार्ड हो जाते हैं, मैं बाद में बनाऊँगी। और लंच में बनेगा आज क्या बनेगा, फिश। मम्मी ने फ्रिज को बंद रखा था रियो के वजह से, कितना पानी हो गया इसमें। फिश फिर मैं बनाऊंगी स्क्वाश। वेजिटेबल्स निकाल के रखती हूँ, ये थोड़ा सा तुरई, स्क्वाश, यहाँ पे सोयाबीन, सोयाबीन। तो बनाऊंगी स्क्वाश, आलू और सोयाबीन के साथ एक सब्जी, भिंडी फ्राई और फिश। अभी मैं बनाऊंगी चाय, मम्मी के ये बाथरूम बुआने देते हैं, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30। ये सूखे कपड़े हैं, इसको मैं बाद में फोल्ड करूंगी। रूम वगैरह साफ हो गया है और आज मैं अपना शूरेक क्लीन करने वाली हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि शूरेक रूम पे क्यों बाहर रखने का सिस्टम नहीं है, ऊपर से एक कुत्ता है तो वो अगर मैक्सिमम मतलब जो होते हैं कुत्ते वो जूते खा रहे थे, इसलिए बाहर नहीं रखती। और मेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है आप लोगों को पता है, इसलिए मैं अपने रूम पे ही रखती हूँ, मुझे इजी होता है पहनने के लिए। और मैंने फ्लेक्सी जेल लगा लिया है, पूरे क्लीन करूँगी। इसको धोना है, इसको जब से लिया है मैंने इसको एक बार भी क्लीन नहीं किया है, तो देखते हैं कितना कुछ कर पाती हूँ। पूरे घर पे चावल चावल चावल, अभी चावल के ड्राम से इतना ज़्यादा चावल देखा है, चावल हो गया है, बस फिश करी हो रही है। यहाँ पे रियो को बिठाया है मोबाइल देखे, यहाँ पे प्रीत भी देख रहा है मोबाइल, नहाना नहीं है और मोबाइल नहीं देख रहा है, वो पढ़ रहा है। पढ़ो पढ़ो। मुझे अपने गॉडरेज के ऊपर एक ये अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा हल्का है। मुझे यहाँ पे लगाना है, साइड में ऊपर लेके यहाँ पे लगाना है, आज लगा दूँगी। और देखिए सोफ़ा खींचते टाइम शूरेक का ये हालत हो गया, ये साइड पूरा बैंड हो गया, इस वजह से सारे जूते हैं ना ऐसे अंदर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है ठीक करना पड़ेगा इसको। तो आप लोग को लग रहा होगा कि हस्बैंड होते हुए भी घर पे मैं ये
ऐसा काम क्यों करती हूँ। देखिए मुझे ना हर बात अपने हस्बैंड से बोल के करवाना पसंद नहीं है, उनका जब जो मन होता है वो खुद से करते हैं। मुझे होता है ना एक तरह का वाइफ जो हर बात पे ये कर दो वो कर दो ये कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करती। उनका जो ड्यूटी है वो करते हैं, उनका जो मन होता है वो खुद से करते हैं। बाथरूम कभी कभार साफ करना ये सब वो करते हैं, मैं खुद से कभी नहीं इनको बोलती। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। और ये भी है भी नहीं कुछ काम से, ये सुबह सुबह निकले हैं घर से। तो यहाँ पे देखिए सूर्य को मैंने मतलब ये बहुत इजी है इसको ठीक करना, तो मैंने कर लिया। उसके बाद में मैं आज गोदरेज का ऊपर में कपड़ा लगाऊंगी, मम्मी से मैंने जो लिया था। तो मम्मी को बोला कि आप थोड़ा सा हेल्प कर दो, और भाई भी आज संडे है तो वो भी रेस्ट कर रहा है, और उसको मैं क्यों बोलूँ हर काम के लिए। मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बोलती, मैं उसको क्यों बोलूँगी, बोलने से वो करेगा पर मैं नहीं बोलूँगी। तो यहाँ पे देखिए गोदरेज के ऊपर में जो कपड़े थे मैंने गोदरेज के ऊपर जो चीज़ें थे उसको मैंने पहले नीचे उतार दिया साफ़ करके। उसके बाद में इतना ज़्यादा मतलब लेयर पड़ा था, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मैं दिखाऊँगी। रुकिए मम्मी, मैं क्लीन करके कपड़ा दे रही हूँ, मम्मी उसको धो धो के रख रही है। मतलब इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ। ये देखिए ऊपर में कितना ज़्यादा लेयर पड़ा है। तो मम्मी मेरे पीछे ही है, तो वो होता है ना झोल साफ़ करने वाला जो एक डंडा, वो हम लोग का पहले वाला घर में था, अभी इस घर में आने के पहले टूट गया था। तो मैं क्या करूँ, मैंने झाड़ू से पूरा जो रूम है रूम के साइड्स में जो झोल पड़ता है ना वो सब मैंने क्लीन किया, काफ़ी ज़्यादा साफ़ लग रहा था। और मतलब वेदर ना ठीक है, ज़्यादा धूप नहीं है, पर गर्मी जो है ना वो भयानक वाली गर्मी है गाइस, मैं क्या बोलूँ, कोई मतलब वर्ड नहीं है मतलब समझाने का। मतलब पूरा जलन हो रही है और इतना ज़्यादा चिपचिपी लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा दिन है आज का। धूप आता है फिर भी ऐसा गंदगी नहीं होता है। तो मैं थोड़ी ना लंबी हूँ, तो मुझसे ना सोफ़े के ऊपर में वगैरह उठती हूँ तो आराम से मतलब मैं ऊपर का जो छत है वो मैं छू पाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हो गए चेयर टांग खींच खींच के मैं सब कुछ ही साफ़ कर रही हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कि फ़ैन भी साफ़ कर दूँगी, ज़्यादा मैला नहीं हुआ है, सब कुछ साफ़ कर रही हूँ, इसीलिए सोचा कि फ़ैन भी साफ़ कर दूँगी। तो आप लोग ब्लॉग को देखिए, इंजॉय करिए, कौन कौन मेरे जैसे ऐसे क्लीन करते हैं घर, और हर बात के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, मैं नहीं रहती, उनका काम है वो करेंगे, उनका मन होगा करेंगे, मेरा मन हो रहा है मैं करूँगी। आज अगर ये काम मैं नहीं भी करती, 10 दिन 15 दिन बाद भी करूँ तो भी मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। पर होता है ना कि साफ़ सफाई खुद के लिए अच्छी होती है तो मुझे अच्छा लगता है। बीच बीच में लास्ट संडे को भी मैंने किया था और इस संडे को मैं फिर से कर रही हूँ। 1 वीक में घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और क्या है हमारे एकदम रोड के साथ में ही रूम हमारा रूम है तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और आजकल गर्मी की वजह से दरवाजे फिर खिड़की खुले रहते हैं तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है गंदगी। वहाँ पे देखिए कितना आग लगा है, अरे बाप रे, और ये देखिए ट्रांसफार्मर, और एकदम हमारे घर के पास में ये है पूरा, ये हमारा घर का छत, और ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से गाड़ी भेजा गया है, और यहाँ पे लोग भी है, काम चल रहा है। अभी आग नहीं जल रहा है पर धुआं तो है, सब लोग ही बहुत टेंस हो गए, सब लोग निकल गए हैं अपने अपने घरों से, और इतना ज़्यादा घर है बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, अगर कुछ होता है तो बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, इसलिए सब लोग डर गए हैं क्योंकि एक घर के साथ दूसरा घर ऐसा जुड़ा हुआ है। हम लोग भी डर रहे हैं क्योंकि ये तार पूरे हमारे घर से एक हाथ दूर में है छत से। तो देखिए गाइस सूर्य मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया दिन में, और दिखाने का टाइम नहीं मिला। अब इसका कवर जो है वो मैंने धो के दिया है, वो लगाना है। इतनी भयानक वाली गर्मी में क्या बताऊँ, मतलब घर पे टिकना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। रूम की हालत देखिए, मैंने कुछ भी सीज नहीं किया, बस पूरा घर वैसे साफ किया है, धीरे धीरे करूँगी, कुछ बाहर का तो लोग आने नहीं वाला है तो मैं आराम से बाद में धीरे थोड़ा थोड़ा करके घर को सेट करूँगी रूम को। मम्मी किचन में खाना बना रही है,
तो चलिए मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। না 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 One, two, three.